लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दादागिरी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है दोस्तों। ये गैंग कांड पे कांड करता जा रहा है, लेकिन पुलिस वाले जो कि कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बताएंगे आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड संपत नेहरा, जिसके बारे में बताया जाता है वो इतना ज्यादा सनकी है कि कोर्ट के अंदर घुस करके एक बार अपने दुश्मन को मार दिया था। और दोस्तों संपत नेहरा के ऊपर आरोप है कि उसने कुछ समय पहले मुंबई में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान का भी रेकी करा था। वो चाहता था कि सलमान खान को मार गिराए और उसके बाद वो पूरे देश में एक बार फिर से सुर्खियां बटोर ले। लेकिन मेरे भाई संपत नेहरा उस वक्त सलमान खान को तो नहीं मार पाया, लेकिन हाँ इस बार आखिरकार संपत नेहरा ने एक व्यक्ति को दिन दहाड़े गोलियों से छल्ली करवा दिया। तो किस तरीके से जालंधर शहर में पुनः एक बहुत बड़ी घटना सामने आई है और किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुरुगो ने एक बार फिर से एक व्यक्ति को दिन दहाड़े गोलियों से छल्ली कर दिया। दोस्तों एक व्यक्ति का नाम बताया जाता है टिम्मी चावला है, जिससे बताया जाता है कुछ समय पहले संपत नेहरा ने 30 लाख रुपये का फिरौती मांगा था और उस व्यक्ति को यह भी कहा गया था कि बेटा अगर तुमने 30 लाख रुपया नहीं दिया तो तुम्हारा कभी भी कत्ल हो सकता है। तो उस व्यक्ति ने कहा था कि मैं तुम्हें कभी भी 30 लाख रुपये नहीं दूंगा और मुझे तुम्हारा डर नहीं लगता है क्योंकि मेरे पास हमेशा गार्ड रहता है। तो उसके बाद संपत नेहरा ने कहा था कि बेटा तुम जिस पुलिस वालों को लेकर उड़ रहे हो तुम देख लेना, उन तमाम पुलिस कर्मियों के बीच ही हम तुमको ठोकेंगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और दोस्तों संपत नेहरा ने जो कहा था वो करके दिखाया। दोस्तों संपत नेहरा के बारे में बताया जाता है वो लॉरेंस बिश्नोई के लिए बहुत तरह का अपराध कर चुका है और लॉरेंस बिश्नोई के इशारों पर वो कुछ भी कर भी सकता है। संपत नेहरा के बारे में बताया जाता है कुछ समय पहले वो जेल में था, हालांकि अभी भी संपत नेहरा के बारे में बताया जाता है वो पुलिस हिरासत में ही है। लेकिन मेरे भाई वो पुलिस हिरासत में रहने के बावजूद भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है, कहीं न कहीं पुलिस कर्मियों को शर्म आनी चाहिए। लेकिन भैया पुलिस वालों को शर्म कहाँ आता है, जेल के अंदर जिस तरीके से मोबाइल फोन का इस्तेमाल करा जाता है ये बिल्कुल गलत है। और ऐसा नहीं है कि सभी पुलिसकर्मी खराब हैं, कुछ ऐसे भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर हैं जिन लोगों की वजह से जेल के अंदर कैदी जो कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है। तो संपत नेहरा के बारे में बताया जाता है वो आज के समय में पुलिस हिरासत में रहने के बावजूद भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है और सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। दोस्तों हाल ही में बताया जाता है जालंधर के नकोदर में 30 लाख का फिरौती नहीं देने पर टिम्मी चावला को दिन दहाड़े दो व्यक्ति जो कि बाइक पर सवार होकर के आता है और दिन दहाड़े उसे गोलियों से छल्ली कर देता है। वारदात पर ही टिम्मी चावला का मौत हो जाता है। टिम्मी चावला का मौत होने के बाद पूरे जालंधर शहर में हलचल मच जाता है, आसपास के लोगों में भी एक तरह का डर का माहौल हो जाता है। और दोस्तों आसपास के लोगों को इस बात का डर होता है कि क्या भैया अगर टिम्मी चावला को मारा जा सकता है। दोस्तों एक चीज़ और आपको जानना चाहिए, टिम्मी चावला के बारे में बताया जाता है उसके साथ हमेशा एक गार्ड रहता था, लेकिन बताया जाता है टिम्मी चावला को भी मार दिया गया और उसके गार्ड के ऊपर भी गोली चलाया गया, उसका गार्ड भी घायल हो गया था। हालांकि उसका गार्ड का शायद अभी तक बताया जा रहा है कि जिंदगी और मौत से वो लड़ रहा है। तो फिलहाल दोस्तों टिम्मी चावला की मौत के बाद पुनः लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दबदबा जो कि कहीं न कहीं बढ़ता दिख रहा है। दोस्तों कहीं न कहीं पुलिस कर्मियों की ढीलापन की वजह से ही अपराध होता है, यदि पुलिस वाले सख्त हो जाए स्ट्रिक्ट हो जाए तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी क्राइम होगा। लेकिन जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग आज के समय में लोगों को धमकी देता है और धमकी देने के बाद यदि वो उसके बात को पूरा नहीं करता, यदि उसके बात को नहीं मानता है तो उस व्यक्ति को मरवा दिया जाता है, तो सोच सकते हो ये गैंग कितना ज़्यादा खतरनाक है। और दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई जो कि फिलहाल अभी पंजाब पुलिस की हिरासत में है, हालांकि 16 दिसंबर 2022 को उसका कोर्ट में आखिरी पेशी है, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग जो कि भारत के अलग अलग राज्यों में बहुत अधिक एक्टिव है और इसकी एक्टिविटी को देखते हुए कहीं न कहीं पुलिसकर्मियों को सख्त निर्णय लेने की आवश्यकता है। तो टिम्मी चावला की मौत के बाद टिम्मी चावला के तमाम परिवार के लोगों का यही कहना है कि जिन किसी ने भी हमारे भाई को मारा है, हमारे बेटे को मारा है या फिर हमारे औलाद को मारा है, उस व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। हालांकि दोस्तों अब तक जालंधर पुलिस जो कि इस मामले में कुछ भी नहीं कर पाई है, क्योंकि जालंधर पुलिस को अब तक कुछ ज़्यादा कुछ पता ही नहीं चला है। और हाँ ये बताया जाता है कि जहाँ पर टिम्मी चावला को मारा गया था वहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था। तो सीसीटीवी कैमरा किस काम का होता है आप लोगों को तो पता ही होगा, सीसीटीवी में जो आज तक कभी भी सही सही वीडियो आता ही नहीं है, बस दिखा देता है कि एक आदमी यहाँ पर कुछ कर रहा है। तो सीसीटीवी कैमरा को सही तरीके से खंगाला जा रहा है और उस व्यक्ति का भी पता करा जा रहा है। लेकिन दोस्तों सबसे अधिक समझने लायक बात यह है कि आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त, लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड संपत नेहरा ने जो धमकी में कहा था उस चीज़ को उसने कर दिया। उसने टिम्मी चावला से कहा था कि तुम्हारे पास पुलिस वाले होंगे, उसके बावजूद भी तुम खुद को नहीं बचा पाओगे। और दोस्तों जो उसने कहा था वो आखिरकार करके दिखा दिया। अब पुलिस वालों ने भी कहा है कि तमाम आरोपियों को गिरफ्तार करा जाएगा। तो देखते हैं पुलिस वालों ने जो कहा है क्या वो संपत नेहरा की तरह, जिस तरह संपत नेहरा ने उसे कह के मरवा दिया, अब उसी तरह से पुलिस वाले कह के उन तमाम आरोपियों को पकड़ते हैं या फिर नहीं पकड़ते हैं, ये तो वक्त बताएगा।
तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारा काम है आप लोगों तक खबर पहुंचाना, आपका काम है सुनना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना। तो अपनी राय बताना कमेंट सेक्शन में लिख करके। मिलता हूं अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक मस्त रहना, स्वस्थ रहना, सावधानी और सतर्कता हमेशा बरतना मेरे भाई। मिलता हूं अगले नई वीडियो में।